हेलो गाइस मैं हूं आपका होशन दोस्त दिवाकर शर्मा लेके आपके लिए बोर्ड बिल्डिंग की जबरदस्त अपडेट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट है अभिषेक यादव की जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभिषेक यादव बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं लास्ट टाइम उनका ओलंपिया मैचों में गोल्ड नहीं आया था पर वो ऑफ ट्रैक नहीं हुए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और अपनी डाइट को पकड़ के पकड़ के चले और आज उनका नतीजा ये है क्या वो अभी भी इतने इंप्रेसिव लग रहे हैं तो दोस्तों आपका मानना क्या है क्या इस बार अभिषेक यादव ओलंपिया मैचोर में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए अगले अपडेट की ओर जो आ रही है तरुण गिल की जैसे कि आप जानते हैं कि तरुण गिल को अभी कोविड हुआ था जो उन्होंने अपने चैनल पर अनाउंस भी किया था पर उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है कि ही इज़ बैक ऑन ट्रैक अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा वॉल्यूम डाउन है पर मैं आशा करता हूँ वो थोड़े टाइम में रिकवर करके अपना वॉल्यूम दोबारा गेन कर लेंगे और मिस्टर यूनिवर्स की जैसे कि आपको पता है वो तैयारी कर रहे हैं हम उनको मिस्टर यूनिवर्स के गोल्ड मेडल के साथ देखना पसंद करेंगे और हम ये आशा करते हैं कि इस बार उनका गोल्ड मेडल आए तो दोस्तों अगली अपडेट है उनके कोच के द्वारा नूर खान जी के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नूर खान भी मिस्टर यूनिवर्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बॉडी कंडीशन अपडेट डाली है आप देख पा रहे हो कि बॉडी कंडीशन वाकई ही नूर खान की बहुत अच्छी दिख रही है आपको मैं बता दूं कि दोस्तों पूरी ट्रेनिंग के दौरान नूर खान ने कभी चीट नहीं करा और उसी का रिजल्ट आपको दिखेगा उनकी करंट कंडीशन अपडेट पर आपको क्या लगता है दोस्तों कि नूर खान की बॉडी इंप्रेसिव है या नहीं हमें कमेंट डाउन करके बताइए और आपको क्या लगता है कि तरुण और नूर खान में से कौन इस बार गोल्ड दे पाएगा क्या दोनों ही गोल्ड ले पाएंगे क्या नहीं प्लीज हमें कमेंट करके बताइए तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो है मनप्रीत स्क्वाड आहूजा जी के चैनल से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद जो साउथ के प्लेयर हैं लास्ट टाइम उनका एक क्वेश्चन था

ओपन बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा कैसे क्रॉस ओवर कर सकता है जब दोनों की बॉडी अलग है बॉडी टाइप ही अलग है राइट right. क्योंकि पीछे कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी जहाँ पे बहुत हवा उड़ा दी गई थी कि एक डिस्कालीफाई कर दिया जी, बंदा जी, 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 जी. वो साउथ का एक नाम नहीं लूंगा जी 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 जी, जी। सर हम सब लोग जानते हैं नहीं है, नाम लेना जी बट वो ओपन बॉडी बिल्डिंग किया करता था पहले hmm. मेरे साथ गया है वो हांगकॉन्ग अच्छा आर्एल क्लासिक खेलने मैं मैनेजर था इंडियन टीम का ठीक है और सडनली उसको मैंने देखा है कि मेंस फिजिक खेलते हुए हम्म 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 जबकि मेंस फिजिक की बॉडी नहीं थी ही वाज स्टैंडिंग आउट टे okay. okay. अब अगर यही क्राइटेरिया करना है हुँ. आपने ओपन बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डर्स यहाँ फिजिक खेल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मना नहीं है ठीक है बट उनका क्या होगा जो एक्चुअल मैं, साइज में उनसे अपने क्राइटेरिया मीट करते हैं मैं फिजिक की आ, कैटेगरी का डिविजन का रूल्स के हिसाब से उनका क्या होगा फिर आप फिर तो सारे बॉडी बिल्डर जो है लंबी निगर पहने खड़े हो जाएंगे आके बिल्कुल ठीक फिर इनका क्या होगा बिल्कुल और, और नई कॉन्ट्रोवर्सी बन जाएगी